श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। दोस्तों अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव एफएम रेनबो इंडिया पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु के पास आकर एक धनी व्यक्ति अनंत जीवन के बारे में पूछता है तो प्रभु यीशु उससे कहते हैं कि जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे तू हो ले। और दोस्तों प्रभु की ये बात सुनकर वो व्यक्ति निराश हो जाता है। उसे देखकर प्रभु यूं कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना कठिन है जितना ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग उससे कहने लगे तो फिर प्रभु किसका उद्धार हो सकता है। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु के 12 चेलों में से एक जिसका नाम था पतरस, वो प्रभु यीशु के स्वर्ग उठाए जाने के बाद लोगों को अपने अनुभव और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा लोगों को ये गवाही देता रहा
कि प्रभु यीशु के अलावा स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम सब उद्धार पा सकें। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है सहारा, तेरे सिवा जग में मसीहा सहारा। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखकर जब हम ये अंगीकार करते हैं कि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, तारणहार है, तो प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारी सुधि लेता है और हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार।
जहाँ जब हम विनम्रता के साथ अपने प्रभु से कुछ मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देता है। दोस्तों, कैसे हम अपनी जिंदगी में प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के सत्य वचन के द्वारा। दोस्तों, हम इंसानों के दिल में हमेशा ये चाहत रहती है कि हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर की इच्छा अवश्य पूरी हो, लेकिन अपने स्वार्थ और लालच की वजह से हमारी ये कामना सिर्फ एक औपचारिकता तक सीमित रह जाती है। बाइबल हमें बताती है कि अगर हम ईश्वर की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुतायत की आशीष होगी। बाइबल में लिखा है कि हर इंसान को अलग अलग वरदान दिए गए हैं, इसलिए हर इंसान के लिए ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे। और वो अलग अलग माध्यम क्या हैं जिससे हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं? इसके लिए हमको बाइबल पढ़नी होगी, और जब हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमको निश्चय ही गाइड करेगा कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर पाएंगे। यही है आज का सत्य वचन। जी हाँ, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का एकमात्र माध्यम है उसका पवित्र वचन बाइबल, क्योंकि बाइबल वो पुस्तक है जो परमेश्वर के और उसके राज्य के गहरे राजों को खोलती है। और दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999563178। जी हाँ, 9999563178। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब फिर करेंगे आपसे मुलाकात एक नए सत्य वचन के साथ इसी समय यानी 6 बजे FM रेनबो इंडिया पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। आकाशवाणी।